सत श्री अकाल दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिद्ध आसन की। सिद्ध आसन बिल्कुल नॉर्मल आसन है, इसके अंदर हमने बैठना है। उससे हमारा जो गुदा द्वार और नीचे के हमारे मरम पॉइंट है हिप के, वो सिमुलेट होते हैं और गुदा से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं, बवासीर वगैरह होगी और बीमारियां, वो सब ठीक होती हैं। अब बेटा बैठिए सिद्ध आसन में। अब ये सिद्ध आसन में बैठे आप देखेंगे, अगर आप ऐसे बैठेंगे आपके जो हिप जमीन को छू रहा है उससे हमारे जितने भी हिप के पॉइंट हैं सभी सिमुलेट हो रहे हैं। गुदा और वस्ती मार, ये दोनों पॉइंट इससे सिमुलेट होते हैं और इससे हमारी जितनी पुरुष ग्रंथि है वो ठीक होती है, ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम हो वो ठीक होता है और 40-45 साल के बाद तो हमें सबको ये आसन करना ही चाहिए। इससे जो बहुत है प्रॉब्लम वो हमारी ठीक हो जाती है जो बड़ी उम्र के साथ आती है, तो इसको हमने साथ साथ करना है। अगर हम ये डेली हम करेंगे थोड़े से आसन, उससे हमारे मरम पॉइंट अपने आप भी दब जाएंगे। अगर हमें कोई दिक्कत है, हमारे मरम पॉइंट हम ऐसे आसन नहीं कर सकते, हमारी लेग में दिक्कत है, हम ऐसे नहीं बैठ सकते, तो कोई बात नहीं, हम अपने आप ही उसको दबा सकते हैं, कैसे भी दबा सकते हैं। अब अगली वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे स्वर्ग आसन और हल आसन के बारे में। तब तक ये नमस्कार, हैव ए नाइस डे।